रमजान के दौरान घाटी में सीज फायर की दरियादिली भारत पर भारी पड़ गई है। जी हां, खून की होलियां खेलने वाले आतंकियों ने रमजान के पाक महीने में जो नापाक हरकतें की, उससे साफ हो गया कि आजादी और इस्लाम का नाम जपने वाले इन आतंकियों का कोई मजहब नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं माधुरी। और ये सब कुछ जो हो रहा है वो इंसानियत का दुश्मन है, ये समाज के दुश्मन है। शहीद औरंगजेब का परिवार अब इन आतंकियों के खिलाफ एक्शन चाहता है। पत्रकार शुजात बुखारी की शहादत का बदला चाहता है। आखिर महबूबा मुफ्ती से क्यों नहीं संभल रहा जम्मू कश्मीर? रमजान में सीज फायर की मांग करने वाली महबूबा ऐसी घटनाओं पर खामोश क्यों है? आखिर कब रुकेगा जम्मू कश्मीर में शहादतों का सिलसिला? न तो पाकिस्तान अपनी नापाकी छोड़ता है, न ही हुर्रियत के उकसाए घाटी के पत्थरबाज नौजवान। ऐसे में बताना तो पड़ेगा, मैं आज हमारा सवाल है कि क्या इन सब हालातों के बीच कश्मीर में राष्ट्रपति शासन ही एक विकल्प है? ऐसे सवालों पर मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। चीख, चित्कार और आंसुओं का सैलाब, बदहवासी और दर्द में डूबा ये परिवार भी बेसब्री से ईद की बाट जो रहा था। ढेरों ख्वाहिशें थी, सैकड़ों अरमान थे। वतन की हिफाजत में जम्मू कश्मीर के शौपियां में तैनात बेटा औरंगजेब घर आने वाला था। ईद की रौनक दूनी होने वाली थी, लेकिन लाल की जगह घर पहुंची उसकी लाश। अल सुबह आतंकियों ने जाबाज राइफलमैन को अगवा कर लिया, जाबाज की जान ले ली। गैर लोग हैं, उनको बाहर निकाला जाए, ये सफाया किया जाए। ये मैं अगर नरेंद्र मोदी हो तो मैं 72 घंटे की उनको बोले देता हूँ, नहीं तो हम खुद बदला लेने के लिए तैयार हैं। गम और गुस्से से सनी ये आवाज सिर्फ शहीद औरंगजेब के पिता की नहीं, ये आवाज हर उस आंगन से उठ रही है जिनके चिराग इन कायराना हमलों में बुझते जा रहे हैं। बारामूला में पत्रकार शुजात बुखारी का परिवार भी यही कह रहा है, जनाजे में उमड़ी भीड़ भी यही चाह रही है, सारा हिंदुस्तान आतंकियों और उनके आका पाकिस्तान पर अंतिम प्रहार की मांग कर रहा है। जिस तरह से 90 और 91 में हालात थे, वहाँ आज हालात पहुँचे, बल्कि मैं अगर ये कहूँगा कि उससे बुरा हाल आज वादी में है। जम्मू कश्मीर में सरकार नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। जो जम्मू कश्मीर की सरकार है उसके अंदर इतना कॉन्फ्लिक्ट है कि वो एज वन बॉडी नहीं चल रही है। कुछ ना कुछ लोकल लोग निश्चित उसमें इन्वॉल्व होंगे, सुरक्षा बल पता लगा रहे हैं, एजेंसीज हमारी काम कर रही हैं, कुछ सीसीटीवी फुटेज आई हैं, तो उसी को आधार बना करके मुझे लगता है जल्द इस पर पता लगा दिया जाएगा। पत्रकार शुजात बुखारी जम्मू कश्मीर की सच्ची आवाज थे। अपने अखबार राइजिंग कश्मीर के जरिए वो जम्मू कश्मीर में नया सवेरा लाने की जद्दोजहद में जुटे थे। यही वजह है कि सूबे की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस हत्याकांड से आहत है। लेकिन सवाल ये है कि बार बार पड़ोसी पाकिस्तान से बातचीत की मांग कर रहे इन नेताओं की आँख की पट्टी अब भी क्यों नहीं खुलती? आखिर बीएसएफ के उन 4 जाबाजों का कसूर क्या था जो 2 दिन पहले दुश्मन देश के हमले में शहीद हो गए? साफ है कि आतंकियों ने हमारी दरियादिली को बुजदिली समझ लिया है। रमजान में मोदी सरकार ने सीज फायर का जो मरहम लगाया, वही मरहम हिंदुस्तान को बहुत बड़ा घाव दे गया। सरहद पार से जो दर्द पड़ोसी पाकिस्तान दे रहा है, घाटी में वही जख्म हुर्रियत के उकसाए पत्थरबाज और आतंकी बांध रहे हैं। देश का सब्र अब टूट रहा है, धरती का धीरज जवाब दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश आक्रोशित है, देश गुस्से में है, क्योंकि वही आतंकी हैं जिन लोगों ने हमारे देश के आम लोगों को मारा, सुरक्षा बलों को निशाना बनाया, जिनके लिए रमजान में हमने
सेना को हथियार साइड में रखने के लिए कह दिया। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा, कौन इसका जवाब देगा? तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, जवाब भी लेंगे। इस वक्त मेजर जनरल रिटायर बिश्वंभर दयाल साहब हमारे साथ हैं, 1978 में थल सेना में शामिल हुए, रक्षा मामलों के जानकार हैं, आर्म कोर में रहे हैं, आर्म रेजिमेंट की कमान उन्होंने संभाली हुई है, सेना मुख्यालय में डिप्टी डीजी रह चुके हैं। इसके साथ साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब भी जुड़े हुए, रक्षा मामलों के जानकार हैं, 1972 में थल सेना में शामिल हुए थे, सेना में उत्कृष्ट कार्यों के लिए विशिष्ट सेवा मेडल उन्हें भी मिला है और भारतीय सेना में 38 साल सेवा देने के बाद मेजर जनरल के पद से रिटायर हुए। विजय रैना साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कश्मीरी समिति दिल्ली के अध्यक्ष हैं, विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए काम करने वाली संस्था है कश्मीर समिति, आपको बता दें। इसके साथ साथ मोहम्मद पारेचा साहब हमारे साथ लाइव व्यू से जुड़े हुए हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी करते हैं और इंडिया पॉलिसी फॉर कश्मीर के एक्सपर्ट हैं। रोहन गुप्ता हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ने वाले हैं, रोहन गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, एआईसीसी के राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं और 2011 से गुजरात में कांग्रेस के आईटी सेल के चेयरमैन रहे हैं। राजीव जेटली साहब हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता है और कई टीवी डिबेट्स में अपनी बात को रखते आपको दिखे होंगे। ताहिर सैयद साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीडीपी के युवा नेता है, मुख्यमंत्री कार्यालय में मीडिया एनालिस्ट के पद पर हैं, पूर्व में पत्रकार रह चुके हैं। तमाम मेहमानों से मैं शुरुआत करूं, लेकिन सबसे पहले मोहम्मद पारेचा साहब मेरा सवाल आपसे है, मुझे ये बताइए कि शहीद औरंगजेब को किसने मारा है? सरहद के तो सफाई के ये तीन राउंड शुरू होंगे, लेकिन सबसे पहले 60 सेकंड में मोहम्मद पारेचा साहब, शहीद औरंगजेब का हत्यारा कौन, शुजात बुखारी का हत्यारा कौन? बहुत सीधा सवाल है मेरा। देखिए इसके ये सीधे सवाल का सीधा जवाब ये है, इसमें 50-50% कातिल हैं इसके। पहले कातिल बैठे हैं सरहद के उस पार पाकिस्तान में, सलाउद्दीन और हाफिज सईद जैसे, और दूसरे अपनी कमजोरी की वजह से बैठे हैं कातिल दिल्ली में, दिल्ली की सरकार। और इसके लिए मैं मोदी जी ने जो कहा था वही बता रहा हूं आपको, उन्हीं के शब्दों में बताऊं तो सरहद पे समस्या नहीं है, समस्या है दिल्ली में अटी हुई सरकार की। ये मोदी जी के शब्द हैं जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, समस्या वही है। और हम लोग किसी भी हालत में कश्मीर का समाधान नहीं कर पाएंगे जब तक हम अपनी उंगलियां सही जगह जो गलती कर रहे हैं लोग उन पर नहीं उठाएंगे, और वो सही जगह है मिस्टर कौन गलती कर रहा है, वो एक बहुत किसको इतनी हिम्मत है कि देश में आकर सुरक्षा बलों पर गोलियां बरसा सके, कौन गलती कर रहा है? कश्मीर की पॉलिसी, वो एक तरफ तो ये बोलते हैं ना गाली से ना गोली से कश्मीर की समस्या का समाधान होगा गले लगाने से, मगर उनको पता नहीं है किसे गाली देनी है, किसे गोली चलानी है, वो और किसे कौन? गोली चलाना है। वो तो कश्मीर की आम जनता को बोलता है ये? रहे हैं, पहले गन चला रहे हैं, और जो आतंकी हैं और अलगवादी तत्व हैं उनके साथ गले मिल रहे हैं, नवाज शरीफ के साथ गले मिल रहे हैं, ये है समस्या का सबसे बड़ी वजह। तो नवाज शरीफ से गले नहीं मिलना, कश्मीर की आम जनता से गले मिलना पड़ेगा, और जो आतंकवादी हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, उनको गाली भी देनी पड़ेगी और गोली भी चलानी पड़ेगी। मगर मुझे अफसोस है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें बिल्कुल कैपेबल नहीं है, हमें उनको या तो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मोदी जी आप हौसला कीजिए, 100 करोड़ से नहीं, 125 करोड़। मोहम्मद पारेचा मुझे उम्मीद थी कि आप एक लाइन पर बोलते कि इसके लिए आतंकवादी जिम्मेदार है, इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जिनके शांति के लिए हमने रमजान में रमजान के जरिए सेना को हथियार साइड में रखने को कहा, क्यों नहीं बोलते आप एक लाइन में? डरते हैं आप? हमारे पास डरते हैं, मुझे बताइए डरते हैं आप? आप बोलेंगे तो आप पर भी गोली चल जाएगी, डरते हैं आप इससे? पॉलिसी खराब, आप उनके लिए भी अच्छा रहना चाहते हैं और यहाँ बैठकर इस देश का खाकर यहाँ पर भी अच्छा रहना चाहते हैं, मगर फिर भी हम पाकिस्तान को नहीं सबक सिखा पा रहे, पाकिस्तान को नहीं सही रास्ते पे ला पा रहे, तो इसकी एक ही वजह है कि हमारा प्रधानमंत्री बहुत ही वीक प्रधानमंत्री। आप प्रधानमंत्री को गाली कैसे दे सकते हैं? आप आतंकियों पर जिम्मेदारी क्यों नहीं डाल रहे थे? एक लाइन में आप आंसर क्यों नहीं दे पाते हैं? हमेशा आप दो तरह की बात क्यों करते हैं मोहम्मद पारेचा? एक लाइन में आंसर नहीं हो सकता इतनी कड़ी समस्याओं, एक लाइन में भी मोदी जी जिम्मेदार हैं। जेटली साहब 30 सेकंड आपके पास, क्योंकि उनसे लोग डरना बंद हो गए, आतंकवादी मोदी जी से नहीं डरते, ये है वजह। प्रधानमंत्री से हमारे आतंकवादियों को डरना चाहिए, हमारे आतंकवादी छोड़ दिया, हमारे आतंकवादी किसके आतंकवादी जी जिम्मेदार हैं? पारेचा जी सोच समझ कर बोलिए, आपके नहीं,
आतंकवादी जो हैं उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री से डरना छोड़ दिया है। आप लोग जेटली साहब जवाब दीजिए, आपके भी कान में खराबी है। देखिए पहले आतंकवादियों से, आतंकवादी हमारे प्रधानमंत्री से नहीं डरते, ये है बुनियादी वजह प्रॉब्लम की, समस्या की। देखिए इतने बड़े देश का सुन लीजिए, आप बहुत बोल लिए, आप सुन लीजिए थोड़ी देर। डर से पैर कांपने चाहिए, आतंकवादी नहीं डर रहे उनसे, ये है वजह। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आर्मी है, आतंकवादी छोटे छोटे ये फोटो देख रहे हैं आप रहे उससे, ये फोटो देख रहे हैं पारिचा जी, मुझे गुस्सा आता है जैसे लोगों पे। देश का वो बेटा जो कल शहीद हो गया, इसकी आंखों में कहीं खौफ नहीं है? मौत के पहले से टॉर्चर किया गया होगा लेकिन इसकी आंखों में खौफ नहीं है, पत्थरबाजी, क्योंकि ये देश से प्रेम करता है, आपकी तरह दो बात नहीं करता। समझ आया आपको? शर्म आती है मुझे, आतंकियों का नाम लेने से डरते हैं आप। राजू केरनी मेरे साथ बने हुए हैं शहीद औरंगजेब के घर से। राजू वहां क्या स्थिति है, क्या सचमुच तनाव और डर का माहौल है? परिवार वाले पहले ही कह चुके हैं 72 घंटे का अल्टीमेटम सरकार को देते हैं, नहीं तो वो खुद एक्शन लेंगे। देखिए शहीद औरंगजेब के घर में ना तनाव है ना ही डर का माहौल है, वहाँ पे गम और गुस्सा है इस बात को लेके कि उसको जो है एक अबडक्ट किया गया और उसके बाद उसको टॉर्चर करके मारा गया। उसके घर में ये है बात, सभी उसके रिश्तेदार यहाँ उस गांव के जितने भी लोग हैं उन सभी का ये कहना है कि अगर लड़ाई में मर जाता तो बात अलग थी, लेकिन जो है ये जो मरना जो है ये जिस किस्म के कायराना जो हरकत की गई है उसके साथ, उसको टॉर्चर किया गया और उसके बाद मारा गया उसको, वो ऐसे मरने वाला नहीं था, वो बहादुर आदमी था। और जो उस गांव की है बात है, मैं आपको उस गांव की बात बता दूं जो शायद कई लोगों को पता नहीं होगी। ये सालनी गांव जो है, ये 200 घर होंगे इस गांव के, पहाड़ के ऊपर ये गांव है और इस 200 घर में जो है तकरीबन जो है रहने वाले यहां के जो नागरिक हैं मुसलमान हैं और हर घर से दो लोग, कम अज कम दो लोग जो है वो फोर्सेज में है, सेना में है या सिक्योरिटी फोर्सेज में है। तो ये मैं आपको ये बता दूं कि हर घर में कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी जनरेशन में जो है शहादत हुई है। जैसे औरंगजेब के घर की बात करें तो इसके पिताजी जो हैं वो एक सर्विस मैन है, रिटायर्ड फौजी हैं, भाई जो हैं मोहम्मद कासिम जो है, जो कल ही दोनों भाइयों ने डिसाइड किया था आपस में। राजू मैं फिर आपके पास आऊं, राजू मैं फिर आपके पास आती हूं, मोहम्मद पारिचा जी से मेरा सवाल है, लेकिन सबसे पहले अब मैं इसका आंसर एक बार जेटली साहब से ले लूं। जेटली साहब, गुस्सा है, गम है, 72 घंटे का अल्टीमेटम है, उसके पिता इतने दुखी है कि ये कह चुके हैं और दुख और गुस्से में कि मैं 72 घंटे का टाइम देता हूं सरकार को। देखिए पहले तो मैं समझना चाहता हूं ये मोहम्मद परेचा जैसे व्यक्ति जिनकी शायद याराना इस देश के अंदर मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, इन जगहों पे आतंकवादियों के साथ होगा और वो आतंकवादी चूहों की तरह खदेड़ दिए गए हैं, वो सीमा के पास बैठे हैं जो यहाँ पर बम फोड़ा करते थे। इतनी बौखलाहट जो दिखाई उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री का नाम लेके, शर्म आनी चाहिए थी आपको इस बोलते हुए। आपको याद नहीं है 4 सालों से पहले मुंबई उड़ा करता था, 4 सालों से पहले दिल्ली उड़ा करता था, 4 सालों से पहले बेंगलोर उड़ा करता था, नहीं आए आपको बोलते हुए? ये वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने समेट के वहां छोड़ दिया उन्हें, वहां लड़ रहे वही मारे जा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए बात बोलने से पहले। ये प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री है जिसने अपनी आर्मी को हिदायत दी है कि दिल्ली फोन करने की जरूरत नहीं है, दिल्ली फोन करने की जरूरत नहीं है, वही उड़ाओ वही मारो। और आप जैसे दोगले लोग, बार बार आपसे पूछा गया आपका स्टैंड क्या है, आपने अपना स्टैंड क्लियर नहीं करा। आतंकवादी हमारे आतंकवादी रिश्तेदार प्रधानमंत्री वो व्यक्ति है जिन लोगों ने आप लोगों की कमाई का सोर्स आतंकवादी होते थे, आप लोगों की कमाई का सोर्स एनजीओ होते थे, वो एनजीओ के ऊपर अटैक किया गया तो आपके जवान निकलनी शुरू हुई है वो भी प्रधानमंत्री के खिलाफ। मैं केवल यह बोलना चाहता हूँ ये वो देश है, बंद हो गई, ये वो देश है, चूहों की तरह भागे हैं। कहाँ है वो लोग अब बताइए, कहाँ है बाटला हाउस वाले, कहाँ है मुंबई वाले, कहाँ है दिल्ली की मार्केट लगाने वाले? 4 सालों में एक भी बम ब्लास्ट हुआ? अरे आपने दुकानें खोल रखी थी यहाँ पे, वो दुकानें बंद करवाई आपके प्रधानमंत्री। पारेचा जी, सिर्फ सरकार को कटघरे में खड़ा रखने से कुछ होगा कि आतंकियों के खिलाफ भी कभी मुंह खोलेंगे आप? मुंह खोलते हैं कभी आप आतंकियों के खिलाफ? सरकार चुनते हैं ताकि वो हमारी रक्षा कर सके। आपकी रक्षा, आप तो दुकानें चला रहे हैं, रक्षा करना आपकी, आप दुकानें चला रहे हैं अपनी। मैं चलिए गलत बोल रहा हूँ, औरंगजेब, औरंगजेब जो शहीद औरंगजेब है उसके पिताजी क्या कह रहे हैं,
मोदी जी को 72 घंटे का टाइम दिया है। जवाब आतंकवादियों को हम देना चाहते हैं। आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं हमें। और आतंकवादी ऑपरेशन ऑल आउट में बाहर निकाल निकाल के खींच खींच के मारे गए हैं। इनके कानों में शीशा भर गया है। एक भावना को समझा माननीय प्रधानमंत्री ने। कश्मीर के बीजेपी ने भी नरेंद्र मोदी से अच्छी साबित है। आतंकवादियों के खिलाफ लेकिन आपको नहीं लगता अब कश्मीर पर एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है? जब 2014 में चुनाव लड़कर आए थे तब सब शांति बताई जा रही थी, अब अचानक चुनाव के एक साल पहले आप एक्सपेरिमेंट बता देंगे? बिल्कुल नहीं। कैसे चलेगा बताइए? वही एक्सपेरिमेंट नहीं है। एक एक आतंकवादी को उसकी जगह दी जा रही है। राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा है कि ये एक प्रयोग है और इसके अच्छे नतीजे निकलेंगे। ये अच्छे नतीजे हैं? मैंने आपसे 2018 6 महीनों में 24 सुरक्षा बलों को खोया है, 26 आम नागरिकों की मौत हो गई। मैंने आपसे कहा बहुत दुखद घटना है। 11 बीएसएफ के जवान मर गए, जो 2017 पूरे साल में सिर्फ जो संख्या 2 थी वो आज 11 है 6 महीनों में। खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। मैंने आपसे कहा बार बार एक गलत कंपैरिजन रखा जाता है। हमसे पहले भी सरकार रही, 12 टेररिस्ट अटैक हुए, 12 टेररिस्ट अटैक हुए। ये कोई तरीका है? ये कांग्रेस 40 बंद कीजिए, आपकी सरकार की बात कीजिए। देखिए माधुरी, ऐसे है जो हमारी पूरी जम्मू एंड कश्मीर की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी या शॉर्ट टर्म जो भी कुछ कार्रवाई है उसके 3 बहुत मुख्य पहलू थे। एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो पाकिस्तान को एक्सटर्नली कंट्रोल करता था, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो पूरी बॉर्डर मैनेजमेंट को और पूरे जम्मू एंड कश्मीर में जो सक्रिय तौर पे कंट्रोल करता था, और तीसरा भाग है वहां की सरकार। जो मुद्दा आपने छेड़ा है कि क्या वहां आज राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, मैं मुद्दे पर लौटता हूं। तीसरा वहां की सरकार और गृह मंत्रालय, कुछ समय से एक बहुत ही ओपनली एक सीक्रेट चल रही है कि इसमें एमईए का बहुत कम रोल बच गया है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रोल भी कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि वरना डिफेंस मिनिस्ट्री दो एक दिन पहले गृह मंत्री इससे पहले ऐसी स्टेटमेंट नहीं देती खुद, और सेना का मैं समझता हूं कहीं ना कहीं आप लोगों ने उसको भी डाइल्यूट कर दिया सारा गृह मंत्रालय। आपके पास आती हूँ सिन्हा साहब मुझे बताइए, आपने परिचय साहब को सुन लिया होगा। मैंने सीधा सीधा सवाल किया था कि मुझे उम्मीद थी कि वो कहें कि हाँ आतंकियों की इसमें हाथ था, आतंकियों की ही जिम्मेदारी है और यही वो बात कहते, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि कोई साफ लाइन नहीं है, दो तरफ की बात करते हैं और हमेशा यही करते हैं। मुझे ये बताइए क्या इस वक्त देश को पाकिस्तान से निपटने के बजाय पाकिस्तान से इन प्यार करने वालों से निपटना ज्यादा बड़ी चुनौती है? पहली बात, आपने जो शुरू में जो मुद्दा उठाया था, देखिए मेरा अपना विश्वास है कि कानूनी व्यवस्था जम्मू एंड कश्मीर में पूरी तरह उथल पुथल हो चुका है और प्रेसिडेंट रूल की ज़रूरत है और फुल फ्रीडम इंडियन आर्मी को दिया जाए। इंडियन आर्मी बहुत ही सक्षम आर्मी है, विश्व का तीसरा सबसे शक्तिशाली आर्मी है। इंडियन आर्मी को पता है कि ऐसे दानवों राक्षसों को कैसे सॉर्ट आउट कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो आतंकवाद है इसके 2 परिप्रेक्ष्य हैं, पाकिस्तान और होम विदिन, घर के अंदर। घर के अंदर जो जयचंद हैं, जो मीर जाफर हैं, उनको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। हम आतंकी को तो मारते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और फौज को बहुत ही हम शुक्रिया अदा करते हैं, ये सच है, फौज अच्छा काम करती है। बुरहान वानी को मारी, कितने टेररिस्ट को मार दी है। जो कमांडर बनता है वो जानता है कि अब 3 महीना से ज्यादा लास्ट नहीं करेगा जम्मू एंड कश्मीर में। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सॉफ्ट अप्रोच रहा है जम्मू एंड कश्मीर में वो नहीं चलेगा। दवाई अच्छा और ये, ये मोहम्मद परिचय को मैं जरा एड्रेस करना चाहता हूँ। ये लोग जो ऐसे ऐसे टीवी पे आते हैं ना आपके चैनल पे, मैडम माधुरी जी, मैं 30 सेकंड दे रही हूँ, मेरे को ब्रेक लेना है 30 सेकंड। ताहिर सैयद अपना वचन रख दीजिए एक बार। जी बताएं कैसे निपटारा होगा? देखिए जो आपने जो शुरू में जिस वक्त आपने ये डिबेट शुरू किया तो आपने किसी साहब से पूछा था कि किसने शुजात बुखारी को मारा, किसने औरंगजेब को मारा। हम इतना ही कहेंगे कि औरंगजेब को या शुजात बुखारी साहब को मारने वाले वही लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में अमन और शांति नहीं चाहते। शुजात बुखारी साहब के साथ मैं एक तो वो एक सीनियर सहाफी थे, मैं समझ वो एक इंस्टीट्यूशन थे अपने आप में, जिन्होंने अपनी जिंदगी पूरी जिंदगी जो है जम्मू कश्मीर में अमन के लिए काम किया और उनके देहांत से, उनके हलाकत से जम्मू कश्मीर ने अपना एक बहुत एक बड़ा एसेट खोया है।
और मैं समझता हूं कि शुजात साहब को और औरंगजेब को श्रद्धांजलि का, खराज अकीदत का सबसे बेहतरीन तरीका यही होगा कि हम उनके जो उनका जो मिशन था, जिस मिशन के लिए शुजात बुखारी जिए और जिस मिशन के लिए शुजात बुखारी मरे, उस मिशन को हम पाए तकमील तक पहुंचाएं। एंड दैट वाज द मिशन ऑफ पीस एंड रिकंसिलिएशन। रोक कौन रहा है विजय रैना साहब, रोक कौन रहा है? देखिए, एज फार एज कश्मीर समिति दिल्ली इज कंसर्न, और मैं मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा कश्मीर के बारे में कोई नहीं जानता होगा। यहाँ पे जो हम पैनल में हैं, मैं वहीं का बाशिंदा रहने वाला हूँ। मैं समझता हूँ 90 से लेके आज तक, 2014 आपने कहा 14 तक बहुत अच्छी हालत थी, मैं समझता हूँ 90 में जो हालत थी आज के डेट में भी वही हालत है। और जिसका सबसे ज़्यादा अगर श्रेय जाता है वहाँ की लोकल सरकारों को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस आई को, क्योंकि जब से कश्मीर में जो विवाद स्टार्ट हुआ 89 से, जब कश्मीरी हम जैसे लोगों को वहाँ से उखाड़ के हिंदुस्तान के कोनों में फेंक दिया, उस समय से लेकर आज तक कभी भी ब्लडशेड वहाँ पर रुका नहीं है। आप इस समय लोग, कुछ प्रवक्ता हमारे हैं, मोदी जी को जिम्मेवार ठहराते हैं। मैं समझता हूँ इनको सबसे पहले, मोदी जी को इनको बंद करना चाहिए, जो वहाँ पे इन उग्रवादी इंजीनियर जैसे रशीद को, जैसे आदमी को असेंबली में फार्म भरने देते हैं। मुझे ये नहीं समझ आता वो जैसे रोहन गुप्ता साहब कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, जिस प्रकार की घटना ये हुई है उसमें केंद्र की मोदी सरकार की विफलता, उनकी जिस प्रकार से विवशता दिख रही है, और दूसरा उनका जो अवसरवादी गठबंधन है जम्मू कश्मीर में, जिसके हिसाब से पूरे देश की जनता और कश्मीर की जनता को ये सब भुगतना पड़ रहा है, इनकी पॉलिसी में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। आज कई बार ये बोलेंगे हम लोग सख्त कदम लेंगे, कई बार बोलेंगे नहीं हम बात से करेंगे, उनको मालूम ही नहीं है प्रश्नों को कैसे सुलझाया जाए। हम सुबह से, मैं देख रहा हूँ राजीव जेटली जी सुबह से प्रयत्न कर रहे हैं डाइवर्ट करने के लिए। उनको आज शर्म आनी चाहिए कि जो 56 इंच की छाती की बात करने वाले प्रधानमंत्री क्यों इतने विवश है। 4.5 साल में 71 सैनिक हमारे जवान। अरे रोहन गुप्ता जी, आपको सिर्फ राजनीति करनी है, छोड़िए, राजू केडी मेरे को ब्रेक लेना है। राजू केडी वहां पर घर पर मौजूद है। राजू केडी, उनके पिताजी से आपकी बात हुई, उनके घर वालों से आपकी बात हुई, कल ईद है, कैसे क्या होगा वहां? आप देखिए, पूरे गांव में जो है, जैसे मैंने कहा कि गम का मातम का माहौल था वहां पे, हजारों की संख्या में महिलाएं पुरुष वहां पे इकट्ठा हुए थे, और जिस घर के दरवाजे के ऊपर वेलकम लिखा हुआ था वहां पे, आज जो है वहां पे उसकी जो डेड बॉडी थी, उसकी जो शहादत के बाद उसकी लाश पहुंचने वाली थी, आज वो मौसम की खराबी की वजह से वो लाश भी वहाँ पर नहीं पहुँच पाई। अब उसको कल सुपुर्द खाक किया जाएगा, कल सुबह ईद की नमाज होगी, उसके बाद उसका शव पहुँचेगा, फिर उसको जो है सलामी देके उसको शहीद को वहाँ से रुख्सत किया जाएगा। 6 भाई 4 बहनें, इतना भरा पूरा परिवार और पूरे गांववासी, गांव जो है पहाड़ी गांव, में आपको बता दूं कि दूर दूर के गांव जो है वहां पे होते हैं लोग, 40-40 सचमुच राजू समझ सकते हैं, सोचिए आए थे, सोचिए जो परिवार, जो परिवार अपने बेटे का इंतजार कर रहा था, जो परिवार ये सोच रहा था कि कल खुशियों की ईद मनाई जाएगी, आज उस परिवार के हाथ खाली हैं, आंखों में पानी है और दिल में गुस्सा है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उनके बेटे को निर्मम तरीके से मार दिया। और मैं आपको जाने से पहले, ब्रेक में रुकूंगी, जाने से पहले ये तस्वीर फिर दिखाती हूँ, क्लोज करके अगर मैं दिखा पाऊं। औरंगजेब की आंखों में खौफ नहीं है, क्योंकि वो देश का बेटा था, उसको देश से प्यार था, उसको टॉर्चर किया गया, उसको निर्मम तरीके से मार दिया, लेकिन उसकी आंखों में खौफ नहीं। ये दिखाता है मोहम्मद पारेचर आप जैसे लोगों को, कि आप ऐसे लोगों को समर्थन करना बंद कीजिए जो खाते हिंदुस्तान का है और गाते पाकिस्तान का है।